पार्टी को मिलेंगे 150 कुर्सी, बात होती है भाई साहब, समाजवादी पार्टी को मिलेंगे 150 कुर्सी, भाजपा को मिलेंगे 225 सीट, कांग्रेस को मिलेगी 0 सीट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार फिर भाजपा की बनेगी। तो भाई जो समीकरण है वो जब तक नहीं बनेंगे तब तक कोई भी अलायंस गठबंधन, आपकी जो हवा बनी थी गठबंधन के नाम पे बन गई थी। चौधरी अजीत सिंह क्यों हार गए, जयंत चौधरी क्यों हार गए, दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन ही वहां इतना मजबूत हो जाता, वो क्यों हार गए भाई साहब? क्योंकि उनके रिएक्शन में सारा हिंदू इकट्ठा हो गया। और ये ठगों की जमात है, इस वक्त आपका मुकाबला किसी पॉलिटिकल आदमी से नहीं हो रहा, ठगों से हो रहा है, ठगों से। ये राजनीतिक ठग है, इनके साथ जो इलाज इनका ममता बनर्जी ने किया ना, इनका वो इलाज होना चाहिए। कोई ना अखिलेश में दम है ना मायावती में दम है, फ्रंट फुट पे खेलने का किसी नेता में दम नहीं है। हमारी हमारी या तो राहुल गांधी में फ्रंट फुट पे मोदी के साथ खेल ले, या ममता में, बताओ मुझे किसमें दम है इतना खेलने का। उसका टेम्परामेंट ही नहीं है, वो टेम्परामेंट ही नहीं है। मुलायम सिंह भी होते होते फ्रंट फुट के ऊपर, वो होते फ्रंट फुट के ऊपर, अखिलेश जी का टेम्परामेंट, अखिलेश जी का वो टेम्परामेंट नहीं है। आप बताओ पूरे पूरे इसके नरतारा इतना चल रहा है, अखिलेश जी कहीं फील्ड में आए, कहीं फील्ड में आए हो, ये मत बात करो कि आप जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को, मैं कांग्रेस का नेता हूं, ईमानदारी की बात करो, नहीं आए भाई साहब। और ममता बनर्जी का कोई तोड़ नहीं है, कांग्रेस ममता बनर्जी के यहाँ 34% मुस्लिम है वेस्ट बंगाल में, 34% मुस्लिम है। और AIM ने अपनी ऐसी तेजी करा ली, वहां का एक सज्जादा नशीन है सिद्दीकी सिद्दीकी, उसका अलायंस भी कांग्रेस के साथ हो गया, सबको धूल चटा दी, धरती में मिला दिए, जमीन में मिला दिए सबको, कारण ममता बनर्जी के साथ बंगाली हिंदू खड़ा था। भाई साहब बिना हिंदू के कोई काम नहीं छोड़ने का, हाँ बंगाली ब्राह्मण खड़ा था उसके साथ और मजबूती के साथ खड़ा था, मतलब धूल चटा दी। और मुसलमान ने ब्लॉक वोट डाला ममता को, कांग्रेस की 44 सीटें थी, 0 में लाके खड़ा कर दिया कांग्रेस को, TMC अलायंस करना चाह रही कांग्रेस के साथ। अधीर रंजन चौधरी पर वो अड़ गया कि नहीं अलायंस नहीं करेंगे, जमीन में लगी, औकात पता लग गई, औकात पता लग गई कहाँ खड़ा कहाँ नहीं, वहां जाके आसाम के अंदर समझौता कर लिया उनके साथ, ये बदरुद्दीन अजमल के साथ। बदरुद्दीन अजमल की 16 सीटें पिछले 15 साल से आ रही, 16-18 उसकी उतनी आनी थी, उसको आप अलायंस में बाद में लेते, प्रियंका गांधी ने मना करा कि मत करो, अलायंस में लिया, अलायंस करने का वो अपर आसाम का सारा हिंदू सरकार। जब तक हिंदू वोट नहीं चलेगा भाई साहब, तब तक कैसे आप सर्वाइव करोगे, कोई तरीका नहीं आपके सर्वाइव करने का, कोई भी तरीका नहीं है। 2012 में अगर सरकार बन गई थी तो 2012 में सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण था कि मोदी नहीं था, आज मोदी है, आज हिंदुत्व का फैक्टर बहुत मजबूत है, उसकी काट के लिए आप तो जरूरी है, आपको हिंदुत्व की काट चाहिए, के बिना खड़ा नहीं होगा किसी भी कीमत पे। अब आप खबरें देखते रहिए, मैं लिख के देख जा रहा 150 सीट से अगर ऊपर आ गई राजनीति छोड़ दूंगा, अगर 150 सीट से ऊपर आ गई इन परिस्थितियों में, आपके पास अखिलेश के अलावा कोई फेस ही नहीं है। अरे भाई साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, वो जमाने चले गए, इंदिरा गांधी के नाम पे वोट पड़ता था, वो जमाने चले गए भाई साहब, वो जमाने नहीं रहे, आपको फेसेस चाहिए, इंदिरा जी के जमाने में भी फेस चलते थे। तो 7% यादव है, आप क्या करोगे 7% में, 7% यादव है भाई साहब, 7% यादव है सिर्फ उत्तर प्रदेश, अकेले यादव से थोड़ी जो आपकी ताकत होती थी मुलायम सिंह यादव की, वो सारी भाजपा हो गई, जो बैकवर्ड होता था वो सब भाजपा हो गई, आज की डेट में सब भाजपा है।